प्रीव्यू। जाहिद भाई, आज जो फॉर्म भरा है, अपने नामांकन दाखिल किया है, तो क्या कहेंगे आप आवाम से? क्या कहेंगे आवाम, जो पानी के लिए परेशान है उनको जल्द से जल्द पानी मुहैया कराएंगे औरंगाबाद शहर में। और क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? और लोगों की जो तकलीफ़ है इस वक्त, लोगों की वो तकलीफ़ें दूर करेंगे। मकसद क्या है, इंसान का जब पब्लिक प्रतिनिधि बनता है तो लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए उसकी तवज्जो ज़्यादा रहती है। कल जो बात सामने आई है, तनवानी साहब ने जो फॉर्म वापस लिया है, तो इस पर क्या लगता है आपको? आपके भी दोस्त हैं नासिर सिद्दीकी, वो उनके दोस्त थे। असल में उन्होंने जो तनवानी साहब ने जो उनकी कौम के लिए, उनकी मिल्लत के लिए जो किया, उनको लगा ऐसा कि उनके अल्फाज थे कि 14 की जैसी परिस्थिति मुझे नज़र आ रही है, इसलिए मैं फिर से अपनी कौम को एक जगह करने के लिए जो है फॉर्म वापस ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर मुसलमानों से बिलखसूस ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि एक बार फिर मिल्लत को एक जगह आना चाहिए, और जिसके पास सपोर्टिंग वोट है, चूँकि आने की जो है चांसेस जिसके ज़्यादा लगते हैं, ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए। क्योंकि पिछले 19 का जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, 19 के रिज़ल्ट के अंदर हम पूरी एक जगह वोट डालने के बावजूद भी हमारी कामयाबी नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त जो है मैं इंशाल्लाह वंचित बहुजन अघाड़ी के हैसियत से जो है उम्मीदवारी भरा हूँ। और जो वंचित बहुजन अघाड़ी का लास्ट टाइम अमित भुईगढ़ साहब का 27,000 वोट था, उसमें और इजाफा करके वो वोट मैं लेके आने वाला हूँ। और यही जो है मिल्लत के बीच में गुजारिश करने वाला हूँ कि जो चीज़ आपको आसान लगती है, ऐसा लगता है कि जिसके पास सपोर्टिंग वोट है, उसको जो 19 का रिज़ल्ट को सामने रख के कौम ने फैसला करना चाहिए। तो वो कौम एक हो सकती है, फिर अपनी कौम एक होने की आपको लगता है, एक होगी अपनी कौम? वही तो गुजारिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी तक तो एक ही जगह है सब, और अभी भी इंशाल्लाह एक ही जगह रहेंगे। नहीं, आगे कुछ दिनों में उलमाए दीन, कुछ सामाजिक संगठना एक जगह आती है, तो क्या आपको लगता है कुछ इसमें हल निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों का अपना अपना एजेंडा है, आपको ऐसा लगता है दोनों पार्टी में से कोई एक पीछे ले सकता है? देखो, पिछले 2019 में जो है यही सूरत हाल थी, और हमारे उलमा इकराम ने मुझसे गुजारिश की थी कि अब तुम जो है मिल्लत में इंतशार का शिकार मत बनो, लिहाजा उलमा इकराम के बोलने पे 2019 में मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था। उसके गवाह जो है हमारे एडवोकेट सलीम खान साहब यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए जो है अब वो लोगों को सोचना चाहिए जो पिछले वक्त में जो है हमारे बैठने से जो है फ़ायदा उठा नहीं सके। औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई लड़ने वाले हिशाम उस्मानी साहब भी मैदान में हैं आपके खिलाफ़ में? नहीं नहीं, बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हिशाम उस्मानी साहब, हम उनके पास भी जाएंगे, गुजारिश करेंगे उनसे भी कि इस वक्त जो है एक होना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि लोग जो है फॉर्म भरने के बाद, टिकट मिलने के बाद भी मिल्लत के लिए किस तरीके की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग वो लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी भी ज़रूरत है इस वक्त कुर्बानी पेश करने की। और जो ऐसा जो उसको लगता है कि कोई ज़्यादा तादाद में जो है गैर मुस्लिम वोट ला सकता है, ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आवाम से क्या अपील करेंगे? अवाम से ये अपील कर दूँगा कि जिस तरीके से ये औरंगाबाद शहर के अंदर माहौल है और लोगों की परेशानियाँ आज तक दूर नहीं हो रही है, हम देख रहे हैं कि 325 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था जब पैरेलल लाइन यहाँ पे आ रही थी पानी के लिए, और आज 12-15 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो पैरेलल लाइन का काम नहीं हो सका। आज भी औरंगाबाद की अवाम को पानी साफ़ सुथरा नहीं मिल सका, 10 दिन और पानी मिल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि वो पानी औरंगाबाद शहर में रोज़ मिले या एक दिन आड़ मिले, इससे ज़्यादा नहीं मिले। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेंगी कि ये जो 12-15 साल के अंदर पैरेलल लाइन के अंदर जो करप्शन हुआ, वो करप्शन को उजागर करेंगे और अवाम के लिए इस शहर में पानी जल्द से जल्द मुहैया करेंगे, ये अज़्म लेके मैदान में उतरेंगे। शुक्रिया।